हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष यानी कि मोहनलाल बड़ोली दिल्ली आने वाले हैं, क्योंकि वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी। कल ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहनलाल बड़ोली। आपको बता दें कि सोनीपत के राय विधानसभा सीट से वो विधायक हैं, और अब ऐसे में जिस तरह से आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से वो अपनी लगातार जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब एक नई जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है, और कल भी जिस तरह से वो एक बड़ा दावा करते हुए नजर आए कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, और अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित लगातार बने हुए हैं, और दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले अपडेट्स लेते हैं। अपराजिता, आवाज आ रही है? चलिए, अपराजिता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अपराजिता, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही बिल्कुल है? हाँ, अपराजिता आवाज आ रही है। अपराजिता, देखिए, बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का दिल्ली दौरा है, क्योंकि कल ही ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब क्योंकि दिल्ली आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या जानकारी, फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए, चंडीगढ़ से वो रवाना हो चुके हैं, अभी से थोड़े ही समय बाद राजधानी दिल्ली वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। अब अहम बात ये है कि वो किन से मुलाकात करते हैं। कहा जा रहा है कि शेष नेतृत्व से वो मुलाकात कर सकते हैं, यानी कहा जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हो जाए, या तमाम जितने सीनियर लीडर्स हैं उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे तो उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, और कहा भी था कि एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की, तो अब देखने वाली बात होगी कि वो किन किन से मुलाकात करते हैं, क्योंकि देखिए एक अध्यक्ष की पदभार उन्हें मिला है तो काफी अहम पद हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो किस तरीके से अपना कार्य वो निभाते हुए नजर आएंगे। एक रोड मैप भी उन्हें दिया जाएगा, एक कह सकते हैं कि दिल्ली से ही उन्हें जो भी चीजें, जो भी काम करना है, वो सभी तमाम चीजें दी जाएगी। और साथ में एक और खास बात हो जाती है कि कहा जा रहा है कि 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा जा रहा है कि 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे, तो कह सकते हैं कि तमाम चीजों को लेकर वहां पे डिस्कशन हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन से वो दिल्ली आ सकते हैं, किन किन से वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। जी ठीक है अपराजिता, बने रहिएगा, जानकारी भी आप लगातार दे रही हैं। अमित, आप किस तरह से देख रहे हैं एक नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मोहनलाल बड़ोली अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं? निश्चित रूप से साधना, जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौतियां बड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि सीधे रूप में चुनाव में जाना है। नए प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली बने हैं, हालांकि देखिए 2024 की शुरुआत हुई और वो लोकसभा चुनाव में सोनीपत सीट से उतरे थे, उस समय उनके अनुभव कड़वे रहे, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा भरोसा, बड़ी उम्मीद, बड़ा विश्वास मोहनलाल बड़ोली पर जताया है, उन पर ये जिम्मेदारी डाली है प्रदेश अध्यक्ष की, और ऐसे में वे एक्टिव मोड में आते ही नजर आ गए हैं। जब उन्हें पदभार मिला, कल भी वे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए थे, और उसके बाद उन्होंने वर्चुअली एक बैठक भी जिला प्रधानों से ली थी, और अब आज वे दिल्ली दौरे पर रहेंगे, और देखिए पूरा दिन वे दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ साथ जो एक रोड मैप बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में तैयारी करनी है, कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें उम्मीदवार के रूप में उतारा, जैसे तमाम मसले होते हैं, तमाम रणनीतियां बनानी होती है, उसको लेकर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ एक तरह से वे केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताने के लिए पहुंचेंगे। किन किन मंत्रियों से मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। रात की उनकी बैठक वापस चंडीगढ़ में होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव प्रभारी हैं, वे हरियाणा के, वे भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे, उनके साथ भी वे बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में मोहनलाल बड़ोली एक्टिव मोड में आ गए हैं, रवाना हो गए हैं। आपने भी सही कहा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए भी वो नजर आएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी चुनौती जो है, क्योंकि पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। मैं लौटूंगी आपके पास, लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, और अपराजिता भी लगातार मेरी सहयोगी बनी हुई है। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।